हाई एवरी वन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माई चैनल टेक्निकल सुनेजा। सो गाइज, लेके आऊँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी लोगों के लिए। देखिए, आपने बहुत बार डेटा को डिस्प्ले करवाया होगा, डेटाबेस से आपने कम्युनिकेट किया होगा, वहाँ से डेटा को रिट्रीव करवाया होगा। तो डिस्प्ले कराना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट उसको किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई यूज़र है आपकी वेबसाइट पर आ रहा है, तो अगर वो 5 मिनट रुक के जा रहा है, दैट मीन्स कि आपकी वेबसाइट में कुछ बात है। ठीक है, तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ आज कि आप किस तरीके से स्मार्टली डेटा प्रिंट करवा सकते हो पेज पे। और थोड़ा सा अलग रहेगा वीडियो, मैं आपको डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूँ, आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। उसके बाद चलेंगे कोडिंग पार्ट पे। ठीक है, और गाइज, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका अलर्ट आपको आ जाएगा, जिससे आप वीडियो को देख पाओगे सबसे पहले। सो गाइज, ये है डेमोस्ट्रेशन। अब आप सोच रहे होगे कि क्या इसमें अलग है, तो जैसा कि आपने पढ़ लिया होगा, PHP अजेक्स jQuery लोड डायनेमिक कंटेंट इन बूटस्ट्रैप पॉपओवर। अब पॉपओवर क्या होता है गाइज, जैसा कि आप देख रहे हो ये एक रिकॉर्ड है ID 1 और यहां लिखा है टेक्निकल सुनेजा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मुझे दिखती है मेरी इमेज, मेरा नाम, मेरा एड्रेस, जैसे कि आप देख रहे हो, फॉलो मी ऑन ट्विटर, आस्क सुनेजा जी, यहाँ पे अपने क्वेश्चंस डालिए, मैं आपके क्वेश्चंस पिक करूँगा और आपको आंसर करूँगा। जेंडर मेल, डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज है 25 ईयर। ठीक है, तो अभी क्या है कि डेटाबेस पर रिकॉर्ड ना एक ही है, जैसे ही क्लिक करा आया, जैसे ही मैंने अनक्लिक किया तो क्या हुआ, चला गया। देख रहे हो आप कितना इंटरेस्टिंग है, मतलब कि ये क्यों किया है। वैसे तो मैं इसको और एट्रीब्यूट्स में भी कर सकता था, टेबल में जैसे आप देख रहे हो डेटा ऑलरेडी आ रहा है, मैंने नहीं किया, खाली आईडी दी और नेम दिया। जब इस पर क्लिक करोगे तो बाकी डिटेल आपको यहाँ दिखेगी, तो इससे क्या हुआ, आपका स्पेस बचा पेज का, आपको ज़्यादा एट्रीब्यूट्स यहाँ क्रिएट नहीं करने पड़े, ये फ़ायदा हुआ। ठीक है, इंटरेस्टिंग। सो ये कैसे अचीव करें, तो गाइज डेटाबेस में चलते हैं या टेस्टिंग पे चलते हैं। यहाँ पे TBL _ एम्प्लॉय और यहाँ पे एक ही रो है, इसलिए रिकॉर्ड क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो 1 टेक्निकल सुनेजा। और ये अगर मैं यहाँ पे एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करूँ, यहाँ पे दे देते हैं नेम XYZ, एड्रेस दे देते हैं समथिंग, चलो XYZ ही दे देते हैं, जेंडर दे देते हैं मेल, डेजिग्नेशन दे देते हैं XYZ, एज दे देते हैं 23 दे देते हैं, इमेज देते हैं 2.jpg और यहाँ पे गो कर लेते हैं। तो जैसे मैं ये करूँगा तो देखिए यहाँ पे हमें रिकॉर्ड यहाँ पे एक और दिख जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हो, पर इमेज क्या है मेरी 2.jpg। तो गाइज ये है मेरा सोर्स कोड। तो हमें यहाँ पे दो फाइल सीखनी है, fetch.php और index.php, और ये तो SQL की फाइल है, और ये है इमेज नाम का फोल्डर जहाँ से इमेज वो उठा रहा है। तो मेरे पास डेस्कटॉप पे इमेज है 2.jpg, इसे कॉपी करते हैं यहाँ पे और पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ताकि वो उसको उस लोकेशन पे इमेज वाले फोल्डर पे इमेज मिल जाए और डॉट डेटाबेस में जिस नाम से इमेज सेव की है वो दोनों मैच हो जाए। अगर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे यहां पे देखिए दो रिकॉर्ड दिख रहे हैं, जैसे ही मैं क्लिक करता हूं XYZ तो मुझे इमेज दिखती है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपके डेटाबेस में रिकॉर्ड होंगे वो डिस्प्ले होते रहेंगे और आप इस तरीके से मतलब देख पाएंगे। ठीक है, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो गाइज, मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग जानते हैं कि कैसे डेटाबेस से डेटा को पेज पे डिस्प्ले कराया जाता है। जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं उन्हें अच्छे से पता है, मैंने बहुत बार बताया है कि आप कैसे डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करवा सकते हो। बट यहाँ जो सीखने वाला होगा, जिसमें आप लोग एक्साइटेड होगे या फिर इंटरेस्टेड होगे सीखने को, वो है ये चीज़। ठीक है, तो गाइज चलते हैं कोडिंग पार्ट पे और समझते हैं कि कैसे इसे अचीव करें। ठीक है, सो यहाँ पे गाइज सबसे पहले जो फाइल आती है वो है index.php, और आप देख रहे होगे मैंने इनिशियल में ही एक कनेक्शन बनाया डेटाबेस से कम्युनिकेट के लिए। तो यहाँ पे सिंपल mysqli_connect मेथड है मेरे पास, लोकल होस्ट है, रूट मेरा यूज़र नेम है और पासवर्ड कुछ भी नहीं है, और डेटाबेस का नाम है टेस्टिंग। ठीक है, और उसके बाद गाइज हमने एक कस्टम क्वेरी क्रिएट की है जिसके अंदर हमने डिफाइन किया है select *FromTableName OrderByID। अब ऑर्डर बाय आईडी दो तरीके से होती है, या तो असेंडिंग या होती है डिसेंडिंग। तो हमने की है डिसेंडिंग, जो भी डेटा आए वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आए। ठीक है, मतलब कि जो लास्ट रिकॉर्ड डेटाबेस में होगा वही आपको सबसे पहले दिखेगा। जैसे कि आप देख रहे हो अभी हमने देखा था XYZ डाला, तो XYZ सबसे पहले दिखेगा, इसलिए यहाँ पे किया डिसेंडिंग। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, mysqli_query उसमें अपना कनेक्ट ऑब्जेक्ट पास किया और अपनी क्वेरी को पास किया।
और यहाँ पे रिजल्ट ऑब्जेक्ट है। इतना कर दिया, उसके बाद देखिए इसे कैसे अभी लूप में डाल के डेटा को रिट्रीव करवाएंगे। और गाइज अब आपको पता है कि हम jQuery Ajax यूज कर रहे हैं, टेल दिया है और अपनी jQuery को और अपनी bootstrap की JS को और अपनी bootstrap की CSS को इंक्लूड करवाया है ताकि हम bootstrap की कुछ क्लासेस यूज कर पाएं और थोड़ा लुक एंड फील और अच्छा देख पाएं, ठीक है। उसके बाद सिंपल है गाइज, यहाँ पे कंटेनर लिया है जो कि bootstrap की क्लास है और यहाँ पे एक H2 टैग दिया है और एक H3 टैग दिया है जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। सो गाइज ये जो क्लास है ये कंटेनर बूटस्ट्रैप की क्लास है। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे डिफ क्रिएट किया है, यहाँ पे क्लास दी है टेबल रिस्पॉन्सिव। तो ये खास बात होती है बूटस्ट्रैप की, आपको ज़्यादा CSS लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बनी बनाई क्लासेस मिलती हैं जो कि आपके पेज को कम्प्लीटली एक डिज़ाइन दे देती हैं अच्छा सा, जो आप मोबाइल पर भी देख सकते हो, जो आप टैबलेट पर भी देख सकते हो और आप डेस्कटॉप पर तो देख ही सकते हो। तो यहाँ पे टेबल हाइफन रिस्पॉन्सिव बूटस्ट्रैप की क्लास है। उसके बाद हमने यहाँ पे टेबल दिया है जिसमें एक और क्लास दी है टेबल टेबल बॉर्डर। तो क्या होगा, जैसे कि आप देख रहे हो, जो आप देख रहे हो बॉर्डर इस तरीके से आ रहा है, ये इस क्लास की हेल्प से आ रहा है। अगर मैं इस क्लास को यहाँ से हटा दूँ और अगर रिफ्रेश करूँ पेज को तो देखिए सब हट गया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्लास हटाने से ही देखिए कितना डिज़ाइन बिगड़ जाता है। तो ये इंटरेस्टिंग है बूटस्ट्रैप के अंदर। आपको अगर बेसिक जानना हो बूटस्ट्रैप के बारे में तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए और यहाँ पे आपको मैंने कुछ वीडियोस अपलोड कर रखी है 5 to 6 जो कि आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग दे देगी कि बूटस्ट्रैप एक्चुअली है क्या और कैसे क्लासेस को यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो चलते हैं वापस गाइज यहाँ पे। उसके बाद हमने सिंपल एक आईडी दिया और एक नेम दिया, जैसे कि आप पेज पे देख पा रहे होगे। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, आईडी है और नेम है और ये मेरा डायनेमिक डेटा है जो डेटाबेस से आ रहा है। तो आईडी दिया और नेम दिया, दैट्स इट। उसके बाद हमने लूप लगाया, जो भी अभी आपने देखा था हमने रिजल्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपने देखा इस रिजल्ट ऑब्जेक्ट को पास करेंगे क्योंकि डेटाबेस में जो डेटा है वो की और वैल्यू की फॉर्म में है। जो आपका कॉलम है वो आपकी की है और आपकी जो वैल्यू है जो भी हमने खुद मैन्युअली इंसर्ट की है, तो वो जो डेटा है वो की और वैल्यू की फॉर्म में है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, MySQL i_fetch_array, रिजल्ट पास किया, रो में आपको डेटा मिलेगा किसमें, की और वैल्यू की फॉर्म में। तो अगर आप की एक्सेस करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, रो पे अपनी की को एक्सेस किया, आईडी, हमें क्या चाहिए, आईडी चाहिए। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक एंकर टैग दिया, HREF में कुछ नहीं दिया है, मतलब कि अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं कहीं जाऊँ ना, इसलिए HREF में कोई पाथ हमने नहीं दिया है। एक क्लास डिफाइन की है होवर, इस क्लास का भी यूज़ करेंगे हम। साथ ही साथ गाइज हमने एक आईडी दी है, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी आपकी आईडी आ रही है उस आईडी को हमने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। और साथ ही साथ हमने क्या किया, एंकर टैग मतलब कि जो आप चाहते हो यहाँ दिखे, तो हमने यहाँ पे क्या किया, नेम मतलब कि हमने जो नेम एट्रीब्यूट है डेटाबेस के अंदर उसको यहाँ पे एक्सेस कर लिया ताकि नेम दिखे। तो जैसे ही नेम पे क्लिक करें तो कुछ क्या हो रहा है, नेम पे क्लिक होने पे ये चीज़ आ रही है। अब ये कैसे आ रही है ये देखिए, तो ये चीज़ कैसे आ रही है गाइस, हमने यहाँ पे क्लास दिया होवर, ठीक है। तो चलते हैं गाइज यहाँ पे, सबसे पहले जैसे ही पेज लोड होगा तो ये चीज़ चलेगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डॉट होवर, क्या है, होवर। तो यहाँ पे एक मेथड यूज़ किया है होवर, जिसके अंदर हमने क्या दिया, टाइटल फेच डेटा। अब ये फेच डेटा क्या है गाइज, ये हमने एक मेथड बनाया है और ये टाइटल जो आप देख रहे हो ये इसके अंदर हमने क्या दिया, जस्ट एक फेच डेटा दिया है जिसका मेथड हमने नीचे बनाया है और एस्टिमल दिया है ट्रू। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो क्या होगा, देखिए अगर आप एस्टिमल ट्रू नहीं करते हो तो देखिए, क्लिक किया कुछ भी नहीं हो रहा, बट अगर मैं यहां पे फॉल्स कर दूं तो क्या होगा, ये देखिए पूरा कोड आ गया। तो इसलिए हमने क्या किया, एस्टिमेट को ट्रू कर दिया, ठीक है। और यहां पे प्लेसमेंट दे दी राइट। उसके बाद गाइस ये चीज तो ठीक है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो क्या परफॉर्म होगा, जैसे ही आपने क्लिक किया तो क्या हुआ, एक पॉप ओवर आया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब क्लिक पे ये चीज़ चलेगी और चलने के साथ साथ ये फेच डेटा कॉल होगा। तो फेच डेटा कॉल होगा तो क्या होगा, पहले यहाँ पे आएगा, यहाँ आने के बाद फिर एस्टिमेट ट्रू देखेगा और प्लेसमेंट देखेगा। तो चलते हैं फेच डेटा के अंदर। यहाँ पे हमने क्या किया, जस्ट एक वेरिएबल क्रिएट किया है फेच अंडरस्कोर डेटा जो कि खाली है। अब डॉलर दिस क्या है गाइज, अगर मैं यहाँ पे इसको अलर्ट करवाऊँ, करंट टाइम पे जो भी आप क्लिक करोगे आपको डॉलर दिस वही रिटर्न करेगा। तो अगर मैं एलिमेंट को प्रिंट करवाऊं तो ये क्या देगा मुझे, ये मुझे देगा ऑब्जेक्ट, जो कि मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे तो वैल्यू चाहिए यार। तो हमने क्या किया, इसी एलिमेंट पे ATTR मतलब एट्रीब्यूट आईडी को निकाला, मतलब कि अलर्ट और इस आईडी को यहां प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं कि आईडी आ भी रही है जो मैं क्लिक कर रहा हूं, आईडी आ गई 1
और एक्स वाई जेड पे आईडी क्या आ गई 187। दैट मीन्स कि ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने हमें पता है कि जो हम क्लिक कर रहे हैं मुझे ये एलिमेंट वो ऑब्जेक्ट देगा, तो हम मुझे उसमें से वैल्यू चाहिए। तो मैंने क्या किया, उसमें से एट्रीब्यूट सेट किया आईडी, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं क्लिक कर रहा हूँ वो एक एंकर टैग है, उसके अंदर आईडी ऑलरेडी है। तो इस तरीके से आप किसी भी एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हो। तो मुझे आईडी चाहिए था, मैंने आईडी लिख दिया, मुझे आईडी मिल गई। उसके बाद हमने लिखा डॉलर डॉट अजेक्स, मैं किस फाइल पर जाना चाहता हूँ, फैश डॉट पी एच पी, मैथड रहेगा पोस्ट, दैट सेट। और डेटा क्या भेज रहे हैं गाइज, हम आईडी भेज रहे हैं। तो चलते हैं गाइज यहाँ पे फैश डॉट पी एच पी पे, आईडी को रिसीव किया, डेटाबेस से कनेक्शन बनाया, एक कस्टम क्वेरी बनाई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी जो भी आपकी है वही डेटा लाए, और फिर हमने क्वेरी को चलाया, एरे से डेटा निकाला, और यहाँ पे एक आउटपुट वेरिएबल जो अभी आप देख रहे हो खाली है, यहाँ पे एक आउटपुट वेरिएबल बनाया, उसमें पूरा एस्टिमेट डाल दिया जिस तरीके से मुझे डेटा दिखाना है। कैसे दिखाना है मुझे, ऐसे दिखाना है। तो हमने क्या किया, इमेज लिया, कहाँ देखेगा वो, इमेज फोल्डर के अंदर देखेगा, और ये तो इमेज का नाम आ जाएगा जो कि मुझे डेटाबेस से मिल रहा है, क्लास दे दी इमेज रिस्पॉन्सिव, ठीक है, इमेज थंबनेल। तो इस तभी आपको इमेज थोड़ी ऐसी दिख रही है कॉर्नर से, ठीक है गाइस, क्लियर है। उसके बाद हमने क्या किया, लेबल में पी टैग के अंदर नेम को प्रिंट कराया, एड्रेस प्रिंट करवाया, जेंडर, डेजिग्नेशन, एज, और अपने आउटपुट वेरिएबल को यहाँ पे क्लोज कर दिया, मतलब क्लोज इन द सेंस कि यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया, और हमने इको करवा दिया आउटपुट। तो ये जो इको करवाया ये कहाँ जाएगा गाइस, ये जाएगा इस डेटा के पास, और ये सारा डेटा कहाँ चला जाएगा, फैच अंडरस्कोर डेटा पे, और हमने फैच अंडरस्कोर डेटा रिटर्न करवा दिया, और जैसे ही रिटर्न करवाओगे कहाँ जाएगा, इस टाइटल के पास, और ये टाइटल कहाँ सेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इस एंकर टैग के अंदर। अगर मैं आपको दिखाऊं राइट क्लिक करके, तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये देखिए, देख रहे हो आप, ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हुआ, टाइटल आ गया, उसके अंदर एक डिव बन गया, ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यूज आ गई। तो ये मैजिक है गाइज इस मेथड का जो अभी आपने देखा, आप एक सिंपल क्लास क्रिएट करो और उस क्लास पे फिर आप एक फंक्शन कॉल करो। तो इस तरीके से गाइज आप यूज़ कर सकते हो, ये आपके पास टाइटल है, यहाँ आपने फंक्शन कॉल किया और उस फंक्शन ने कुछ आपको रिस्पॉन्स दिया जो कि इस टाइटल पे सेट हो गया, और बस दैट्स इट। सो गाइज इट्स इंटरेस्टिंग, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप ज़रूर इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करोगे, ठीक है। अगर आपको सोर्स कोड चाहिए हो तो आप बस कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी को ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं 24 आवर्स के अंदर कोड आपको सेंड कर दूंगा। बाकी गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो, मैं आपको हर संडे आके उनके आंसर्स करूंगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक और बात, मैंने अपने चैनल पे काफ़ी वीडियोस डाल दी हैं अजेक्स, जेक्वेरी और पीएचपी की साथ में। आपको अगर नहीं मिलती है तो प्लेलिस्ट पे जाइए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये है जेक्वेरी एडवांस लाइब्रेरी, 25 वीडियोस हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आपने वीडियोस देख ली आप अजेक्स के अंदर मास्टर हो जाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बाकी और भी काफ़ी कुछ है, प्लेलिस्ट पे जाइए देखिए, जैसे आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप सीखिए। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और एक और बात बोलना चाहूंगा, देखिए बातें इतनी सारी हैं मैं वीडियो खत्म ही नहीं कर पा रहा। सो लैरावेल की वीडियो सीरीज बहुत जल्दी आने वाली है, मैं जानता हूं कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं, और एकदम से आपको एकदम चीजें मिलेंगी जैसे कि एंगुलर 2, मीन स्टैक एप्लीकेशन और लैरावेल। ये मैंने प्लान किया है, और नेक्स्ट ईयर 2019 में हम शुरू करेंगे जावा, जेएसपी, सर्वलेट, स्प्रिंग एमवीसी, हाइबरनेट, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।